हेलो चैंपियंस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टारी स्टूडियो के 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। मैं आप लोगों के साथ आपकी मेंटोर एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम गौरी भट्ट है। आप लोग मुझे डेली वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर देखते हैं, मेरा द हिंदू एडिटोरियल शो देखते हैं और साथ ही साथ मेरे पूरे यूट्यूब चैनल का शेड्यूल में आपके सामने है। सुबह 8:15 पर आप मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल के लिए जुड़ सकते हैं, दोपहर में 11 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो एसएससी स्पेशल क्लासेस के लिए और दोपहर में 1 बजे आप मेरे साथ जुड़ोगे एसएससी सीजीएल के और एसएससी सीएचएसएल के क्लासेस के लिए। भाई अनअकैडमी पर अगर आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग मेरे कोड को यूज कर सकते हो जिससे कि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 9th नवंबर से मेरा एक बैच आ रहा है जिसको आप लोग ले सकते हो। उस 9th नवंबर के बैच के बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, आप लोगों से एक काम कहना है कि जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी चैंपियंस हमारे यहाँ पर देख रहे हैं वो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देंगे, ठीक है। लाइक और शेयर करना भाई मत भूलना। चलो देखो, सबसे पहले तो दबा के लाइक और दबा के शेयर करिएगा और देखिए आज का सेशन आप लोगों का कितना ज्यादा धमाकेदार और मजेदार जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ वोकैबुलरी ट्रिक जो आप लोगों को काफी काम आने वाली है, जन जन्मांतर तक हम कह सकते हैं काम आने वाली है। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि भाई फोबिया जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है फियर, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया जब कभी भी आपके किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा वो वर्ड हमेशा फियर को रिप्रेजेंट करेगा, पहला रूट वर्ड, ठीक है, सुनते चलिएगा। दूसरा, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि कभी भी आप लोगों के पास कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिस भी वर्ड में फोबिया ऐड होता है, ठीक है, वो वर्ड फियर को दिखाता है। और अगर आपके पास फिल या फिर फाइल या फिर फिलो, इन तीन में से कोई भी शब्द आ जाता है तो वो वर्ड किसको दिखाएगा, लव को रिप्रेजेंट करेगा। वो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, लव को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो ये दो रूट वर्ड आज अपन पढ़ने वाले हैं और दो रूट वर्ड से हम लोग वर्ड्स को भी क्रिएट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फोबिया शब्द आता है वो फियरनेस को दिखाता है, और किसी भी वर्ड के लास्ट में फाइल, फिल और फिलो शब्द आता है वो लव चीजों को दिखाता है, लव या फिर आप कह सकते हो काइंड चीजों को दिखाता है। ये एक प्लस पॉजिटिव वर्ड है और ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो आइए जरा जानते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके क्या धमाल मचाते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फोबिया वर्ड हमेशा फियर को दिखाएगा, ठीक है, फोबिया वर्ड किसको दिखाएगा, फियर को दिखाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि हाइड्रोफोबिया, बहुत इजी वर्ड है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताइए इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिया का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिया। फोबिया इज व्हाट, फियर, है ना, और हाइड्रो इज व्हाट, वाटर। जितने भी साइंस स्टूडेंट होंगे वो मुझे बता देंगे, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब फियर। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, ठीक। अगर मैंने इसी में लगा दिया हाइड्रो, अगर मैं इसी में कह दूं हाइड्रोफाइल, ठीक है, हाइड्रोफाइल, दैट मींस हाइड्रो मतलब वाटर और फाइल मतलब लव, लवर ऑफ वाटर, लवर ऑफ वाटर। जो लोग पानी में खेलते हैं, जो पानी की तैराकी करते हैं, उनको हम कह सकते हैं लवर ऑफ वाटर, यस और नो। तो ये दो वर्ड आप लोगों ने आज यहाँ पर सीखे, यस और नो, क्लियर है बात, हाँ या ना। एवरीवन मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ आप लोगों को बात समझ में आ गई है और आप लोगों को समझ में आया। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक और शेयर का भाई कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर एवरीवन। अब दूसरा वर्ड देखिए, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई, आप लोगों ने बोला मैम हम लोगों को किताबों से बहुत डर लगता है, हमने कहा अरे 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 क्या तुम्हें बिबिलियोफोबिया है, दैट मींस देखो ध्यान से देखो बिबिलियोफोबिया, ठीक है, जिनको भी बिबिलियोफोबिया होता है, बिबिलियो का मतलब होता है बुक। अब आपको एक और रूट मिल गया, ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है फियर। इससे दो वर्ड बनते हैं, एक बनता है बिबिलियोफोबिया और एक बनता है बिबिलियोफाइल, ठीक है। फाइल का मतलब क्या होता है, लव, और बिबिलियो का मतलब क्या होता है, बुक। तो कितने आपको वर्ड मिल गए आज, आपको फोबिया एक तो मिल गया कि फोबिया से आपको फियर रिप्रेजेंट होगा, फाइल से आपको लव रिप्रेजेंट होगा और बिबिलियो से आपको क्या रिप्रेजेंट होगा, बुक का। क्लियर है बात, हाँ या ना।
अब आप इसको क्या कहोगे, बिबिलोफोबिया को? फियर ऑफ बुक्स। जिनको फियर ऑफ बुक्स होता है, जो पढ़ने से डरते हैं, कतराते हैं। और लवर ऑफ बुक्स आप किसको कहोगे? बिबिलोफाइल को, लवर ऑफ बुक्स। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस और नो एवरीवन? अगर क्लियर हुआ है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आज हम लोगों ने कितने सारे वर्ड सीखे? जो फाइल का भी एक वर्ड सीखा, फिल का भी वर्ड सीखा, फिलो का भी वर्ड सीखा, इसके साथ ही साथ हमने फोबिया को भी सीखा, और इसके साथ ही साथ हमने बिबिलियो को भी सीखा। याद रखिएगा, जब भी कभी भी आपके पास थियो वर्ड आता है, वो वर्ड हमेशा गॉड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब आती है आपकी होमवर्क की बारी। हम आप लोगों को कुछ वर्ड्स देंगे और आप मुझे उनके मीनिंग बताएंगे कि वो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्लेस्ट्रोफोबिया का मीनिंग क्या होता है? What is the right meaning of claustrophobia? Nectophobia का meaning क्या होता है? What is the right meaning of nectophobia? Necrophobia का मतलब क्या होता है? Necrophobia हम किसको कहते हैं? ठीक है, ये हो गए आपके तीन क्वेश्चन, और इससे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, वो क्वेश्चन भी आप लोग मुझे बताएंगे। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप उन लोगों को क्या कहते हैं जो लोग लवर ऑफ डेड बॉडीज होते हैं, लवर टू ईट डेड बॉडीज होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अ पर्सन, क्वेश्चन है मेरा और ये तीन ऑप्शन हम आपको देके जा रहे हैं, अ पर्सन हु लाइक्स टू ईट डेड बॉडी, टू ईट डेड बॉडी, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? ये तीन आपके ऑप्शन है, यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो आज हमने तीन वर्ड्स आप लोगों के यहाँ पर सीखे जो कि आपके सामने है। फोबिया हम लोगों ने सीखा, इसके साथ हमने फिल, फाइल, फिलो को सीखा, और थर्ड हमने सीखा आप लोगों का यहाँ पर बिबिलियो को। ठीक है, तो इस तरीके की 7 मिनट ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ डेली यहाँ पर जुड़िए 7 मिनट ट्रिक्स के लिए। हम आपके साथ रहेंगे अनअकैडमी पर। अगर आप लोगों अनअकैडमी पर अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए और गौरी भट्ट को टाइप करके वहां पर मेरे नाम को सर्च करिएगा। अनअकैडमी पर मेरा एक नया बैच आ रहा है गाइस, उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरा नया बैच जो है वो 9 नवंबर से आ रहा है, जिसमें रीजनिंग आपको मेरे साथ पढ़ाएंगे अंकुश लांबा सर, मैथ्स पढ़ाएंगे राहुल अरोरा, और इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगी मैं। तो ये बैंकिंग का IBPS बैच को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे।